मल्टीप्लीकेशन एल्गोरिथम किस चीज के लिए है? हमें अगर दो टू साइनड नंबर्स जो है, वेदर दे आर बाइनरी, हाँ टू साइनड बाइनरी नंबर्स को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई साइनड बाइनरी नंबर्स, ठीक है। साइनड तो आपको पता है, हम ए एस ले रहे थे ना कल एडिशन में, ए ले रहे थे जिसमें हम नंबर सेव रखते थे, और ए एस क्या ले रहे थे हम, जिसमें हम इसका साइन बिट सेव रखते थे, वेदर इट इज प्लस और माइनस, ठीक है। तो यहां पे जो मल्टीप्लीकेशन एल्गोरिथम है, इसमें हमें पढ़ना है बूथ्स एल्गोरिथम। क्या पढ़ना है? इसको बोलते हैं बूथ्स एल्गोरिथम, ठीक है। यहां पे हमें बूथ्स एल्गोरिथम को डिजाइन करना है। तो मैं सबसे पहले ये फ्लो चार्ट जो है ना इसका, जल्दी इसको ड्रॉ कर लेता हूं, ठीक है। तो मैं यहां पे दो नंबर्स का करूंगा क्या, सपोज मेरे पास दो नंबर्स हैं, क्या है, सेवन है, और मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, थ्री के साथ। अभी आप फ्लो चार्ट को छोड़ो, अभी आप यहां पे देखो, मल्टीप्लाई करना है थ्री के साथ, सेवन थ्री सा 21, ठीक है। सेवन जो है ना इसमें, इसको हम एम बोलते हैं, एम मतलब जो ये है मल्टीप्लिकेंड, है ना, जिसको मल्टीप्लाई करना है किसी नंबर से, है ना, ये होता है मल्टीप्लिकेंड। क्या होता है? मल्टीप्लिकेंड। और ये थ्री जो है ना, ये आपका क्यू है, क्या है थ्री, क्या है आपका, ये आपका क्यू है, क्यू को क्या हम बोलते हैं, मल्टीप्लायर, ठीक है। ये आया समझ इसमें, एम और क्यू, एम है ये नंबर और क्यू है ये नंबर, ठीक है। एन आप एक ऐसे एक सीक्वेंस काउंटर, ये ना काउंटर ले रहे हो जहां पे आप कुछ काउंट कर रहे हो, एन को क्या रखा आपने, नंबर ऑफ बिट्स, वट एवर नंबर ऑफ बिट्स विल बी देयर, नंबर ऑफ बिट्स में अभी बोलूंगा। देखो क्या करोगे आप, सबसे पहले हम इसको बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, है ना। सपोज हम इसको कंसिडर करेंगे, ये चार बिट्स का बाइनरी बनाना है हमें, क्या सेवन का बाइनरी वैल्यू क्या है, है ना, सेवन का बाइनरी वैल्यू है 111, है ना। 21 का बाइनरी वैल्यू जो है वो क्या है, 10101, ठीक है, 21 का बाइनरी वैल्यू है। और इस 3 का जो बाइनरी वैल्यू है वो क्या है, 3 का बाइनरी वैल्यू है आपके पास 011, लेकिन हम कंसिडर करेंगे हमें चार चार बिट्स का लेना है, ये तीन ही बिट्स आ गए ना, यहां पे मैं जीरो ऐड करूंगा, और यहां पे कितने बिट्स है, तीन बिट्स है ना, यहां पे मैं और एक जीरो ऐड करूंगा ताकि ये चार बिट के बन गए ना। तो चार बिट्स में मैं ले लूंगा यहां पे क्यू जीरो, क्यू वन, क्यू टू, क्यू थ्री, ठीक है ना। जब मैंने चार बिट्स लिए तो आएंगे ना, एक बिट के लिए ये, दूसरे बिट के लिए ये, तीसरे बिट के लिए ये, और चौथे बिट के लिए ये। क्यू फोर मत लिखना है मुझे तब, अगर मुझे पांच बिट्स का लेना है तब मुझे क्यू फोर लेना है पड़ेगा, ठीक है। यहां से मैं लूंगा क्यू ऑफ माइनस वन, क्या लूंगा, क्यू ऑफ माइनस वन, ये अभी मैं बोलता हूं क्यू ऑफ माइनस वन होता क्या है, ठीक है। क्यू से ये रिप्रेजेंट नहीं होगा, क्यू से क्या रिप्रेजेंट होगा, ये थ्री, क्या रिप्रेजेंट होगा, थ्री। देखो मैं अच्छे से बनाता हूं, देखो सेवन का वैल्यू जो है ना वो क्या है, फोर बिट में अगर लेंगे जीरो वन वन वन, थ्री का क्या है जीरो जीरो वन वन, इसका क्या है 10101, है ना। तो ये जो थ्री है ये रिप्रेजेंट किसे होता है, क्यू से, और सेवन एम से। ये जो क्यू है ना, तो मैं यहां पे लिखूंगा क्यू जीरो, क्यू जीरो जो है ना वो थ्री का ये वाला है, है ना, ये वाला वन, क्यू वन जो है थ्री का ये वाला वन है, क्यू टू ये जीरो है, और क्यू थ्री ये है, क्यू वन, क्यू टू और क्यू थ्री, क्यू फोर नहीं आएगा इसमें, ठीक है। और अब यहां पे मैं लूंगा और एक क्यू ऑफ माइनस वन, क्योंकि जीरो जीरो से पीछे अगर जाएंगे तो क्या आएगा, माइनस वन आएगा, आएगा ना। अब मैं यहां पे एक चार्ट बना लेता हूं, ए का वैल्यू बना लेता हूं, क्यू का वैल्यू बना लेता हूं, ये छोड़ो अभी आप, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए था, क्यू का वैल्यू बना लेता हूं, और यहां पे मैं क्यू ऑफ माइनस वन जरूरत है मुझे, और ऑपरेशंस क्या क्या होंगे, ऑपरेशंस, और मेरे पास जो है ना ये एन, एन क्या है मेरे पास, काउंटिंग करने के लिए काउंटर मैंने बनाया उसको, ठीक है। देखो अभी मैं अभी आपको पूरा समझ आएगा, ए में क्या डालना है, क्यू में क्या डालना है, ए में डालना है आपको क्या, ए जो है ना, ए में इनिशियली क्या डालना है आपको, जीरो, ए रिप्रेजेंट करता है एक्यूमुलेटर, क्या, ए सी सी यू एम यू एल ए टी ओ आर, एक्यूमुलेटर क्या हो गया, ये एक किस्म का रजिस्टर है जो कुछ सेव करेगा, ठीक है, जो कोई वैल्यू सेव करेगा, ये मेमोरी है एक्यूमुलेटर,
ठीक है, एक्यूमुलेट किसको बोलते हैं इंग्लिश में भी, कोई चीज अपने आप में रखेगा ये। इनिशियली हमने एक्यूमुलेटर को क्या किया, इनिशियलाइज जीरो, तो मुझे चार बिट में देखना है ना, तो जीरो का चार बिट वैल्यू क्या आएगा, आएगा ना फोर टाइम्स जीरो। क्यू का, क्यू में क्या है अभी, क्यू में है आपके पास ये थ्री है ना, क्योंकि ये मल्टीप्लायर है ना, मल्टीप्लायर यही है ना जो क्यू में आएगा। फिर क्यू जीरो क्या है, क्यू वन क्या है, क्यू टू क्या है, वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन क्यू में क्या है अभी, जीरो जीरो वन वन। क्यू आप माइनस वन क्या डालेंगे, क्यू आप माइनस वन में क्यों डालेंगे जीरो, क्योंकि हमारे पास वो ऑलरेडी, मैंने वो ऑलरेडी इनिशियलाइज किया है। ये दो चीजें आपको इनिशियलाइज करनी है, क्या करनी है इनिशियलाइज, क्यों आप माइनस वन में मैं डालूंगा जीरो, क्योंकि इसमें मत है कुछ भी अभी, यहां पे हम इसमें खुद ही जीरो डालते हैं, ठीक है। तो ऑपरेशन, ऑपरेशन क्या क्या होगा, हाँ ऑपरेशन किस पे डिपेंड करता है, ऑपरेशन किस पे डिपेंड करता है, देखो किस पे डिपेंड करता है, ऑपरेशन कौन सा करना है वो किस पे डिपेंड करता है, यहां तक समझ आया ना सब, अभी ऊपर वाला छोड़ो आप, अभी समझ में ए में जीरो क्यों आ गया, क्यू में ये क्यों आ गया, और क्यू माइनस वन में जीरो क्यों आ गया, वो आया ना समझ। अब देखना है ऑपरेशन कौन सा करना है, वो किस चीज पे डिपेंड करता है, देखो वो किस चीज पे डिपेंड करता है आपका ऑपरेशन। ऑपरेशन आपको यहां से, आपने ये वाला पार्ट कंप्लीट किया, ये इस बॉक्स में जो हमने लिखा है वो हमने कंप्लीट किया ना, नंबर ऑफ बिट्स अभी आप छोड़, नंबर ऑफ बिट्स क्या है, चलो वो भी लिख लेते हैं, नंबर ऑफ बिट्स क्या है, फोर लिया है ना मैंने नंबर ऑफ बिट्स है ना, हर ये भी नंबर ऑफ बिट्स फोर है, यहां पे भी नंबर ऑफ बिट्स फोर है, चलो यहां पे फोर रखते हैं, ठीक है। अब ऑपरेशन कौन सा है वो देखते हैं, ऑपरेशन इसमें देखना है आपको, क्या लिखना है, क्यू जीरो और क्यू माइनस, क्यू जीरो और क्यू ऑफ माइनस वन क्या है, ठीक है। क्यू ऑफ जीरो बता सकते हैं मुझे क्या है, आपको ये दोनों चीजें एक साथ लिखनी है, क्यू ऑफ जीरो मैंने पहले ही बताया ना, यहां पे आपका जो क्यू का पहला ये है वन, वो क्यू जीरो है ना, ये वन जो है ये क्यू वन है, और ये जीरो जो है वो क्या है क्यू टू, और ये जीरो क्या है क्यू थ्री। अब क्या है क्यू जीरो, क्यू जीरो क्या है अभी वन, तो ये क्यू जीरो है आपका है ना, लिखू मैं इस क्यू जीरो के नीचे, ठीक है। और क्यू ऑफ माइनस वन अभी आपको पता है वो जीरो है ना, यहां पे वो जीरो है, उस जीरो को मैं यहां लिखता हूं, क्या निकला आपके पास Q0 और Q-1 क्या निकला आपके पास 10, तो ये यहां से जाएगा कि यहां से जाएगा, ये यहां से जाएगा, जाएगा ना, क्योंकि यहां पे क्या है 10 है ना, यहां पे अगर 10 है तो यहां से जाओ, अगर 01 है तो यहां से जाओ, तो ये क्या है 10 है ना। तो आपको क्या करना है, ऑपरेशन यही है, A इज इक्वल टू ए माइनस एम, ऑपरेशन है आपके पास A इज इक्वल टू ए माइनस एम, ठीक है। a माइनस एम कैसे करते हैं हम, शाबाश, a में क्या है फोर टाइम जीरो, माइनस एम, एम क्या है आपके पास, एम है आपके पास सेवन है ना, मल्टीप्लिकेंट यानी कि जीरो ट्रिपल जीरो, जीरो और ट्रिपल वन है ना, तो आपको करना है जीरो वन वन वन, इसको क्या करना है, इसको आपको क्या करना है माइनस के लिए टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है, पता है उसी को ए के साथ ऐड करना है, तो आप इसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकालो, जीरो को बनेगा वन, वन को बनेगा जीरो जीरो जीरो, फिर ऐड करोगे वन तो क्या निकलेगा वन जीरो जीरो वन, इस वन जीरो जीरो वन को किसके साथ ऐड करोगे, ए के साथ, यानी कि जीरो 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 के साथ, ठीक है। चलो अब मैं इस वन जीरो जीरो वन को यहां पर ऐड करता हूं, क्या करता हूं, ऐड करता हूं यहां पर ए के साथ, लिखू मैं यहां पर वन जीरो जीरो वन, यहां पर मैं लिखता हूं 1001, इसका ऐड करेंगे तो क्या निकलेगा 1001 निकलेगा ना, इसको ऐड करेंगे तो 1001 निकलेगा, और Q का वैल्यू क्या है, Q का वैल्यू जो है ऊपर वही यहां पे मैं लिखूंगा, Q माइनस वन का है जीरो है ना। अब क्या करना है इसके बाद, अब हमने ये स्टेप कंप्लीट किया, इसके बाद क्या करना है, अर्थमेटिक राइट शिफ्ट है ना, अर्थमेटिक राइट शिफ्ट हम ऐसे करते हैं, हमें करना है काम अर्थमेटिक राइट शिफ्ट के लिए, ये जो ये जीरो है ना, ये वन है ना, ये वन जो है, ये वन को हमें यहां पे लाना है सबसे पहले, ठीक है। इस वन को मैं यहां पे लाता हूं, लिखू मैं इस वन को, मैंने इस वन को, इस वन को मैंने यहां पर लिखा, इस वन को मैंने यहां पे लिखा, बाकी को मैं अरिथमेटिक राइट शिफ्ट करूंगा,
यहाँ पे लिखा है अरिथमेटिक राइट शिफ्ट, देखो फ्लो चार्ट में देखो अरिथमेटिक राइट शिफ्ट है ना किस किस चीज का करना है, ए क्यू ओवर क्यू माइनस वन, दैट मीन्स मुझे यहां से लेके यहां तक अरिथमेटिक राइट शिफ्ट करना है, लेकिन उसके लिए जो क्यू जीरो है ना क्यू जीरो को ये ना क्यू हाँ क्यू जीरो को मुझे यहां पे लाना है, वो मैंने यहां पे लाया, और इसके बाद उसके बाद ये है ना पहला वन जो था यहां पे, ये यहां पे आएगा वन, ये जीरो यहां पे आएगा, राइट शिफ्ट होगा ना सबका, ये जीरो यहां पे आएगा, ये वन है ना ये यहां पे चला जाएगा वन, ये जीरो यहां पे आएगा, ये जीरो यहां पे आएगा, और ये वन यहां पे चला जाएगा, और ये वन है ना ये वन कहां पे चला जाएगा, ये वन यहां पे चला जाएगा, हो गया अरिथमेटिक राइट शिफ्ट, अरिथमेटिक राइट शिफ्ट हो गया। इसके बाद क्या करना है अरिथमेटिक राइट शिफ्ट के बाद, इसके बाद देखो यहां पे n इज इक्वल टू n माइनस वन, तो n जो है ना ये 4 है, ये क्या बनेगा n माइनस वन 3, बना 3 ओके। इसके बाद आपको चेक करना है वेदर आपका n जो है ना वो 0 बना या नहीं बना, वो मत अभी 0 बना, वो अभी 3 है ना, वो भी 3 है ना, 0 मत बना, तो फिर से कहां जाना है, फिर से मुझे यहां पे जाना है Q0 Q-1, क्या है Q0 Q-1 का वैल्यू अभी, अच्छा यहां पे आते हैं Q0 जो है आपके पास वो अभी 1 है ना, यह है Q की जीरोथ पोजीशन पे, नया Q बन गया ना यही, Q की जीरोथ पोजीशन पे क्या है ये 1 है, और Q-1 की पोजीशन पे क्या है यहां पे ना Q-1 दूसरा उसकी पोजीशन पे भी 1 है, तो आपको यहां से भी नहीं जाना है अभी, यहां से भी नहीं जाना है क्योंकि आपके पास 1 1 आया आया ना, तो 1 1 कहां से है यहां पे है ना 1 1 ये है ना 1 1, तो 1 1 के टाइम पे आपको डायरेक्टली अरिथमेटिक राइट शिफ्ट पे जाना है ना, आपको ना a माइनस m करना है ना आपको a प्लस m करना है, आपको डायरेक्टली कहां जाना है, आपको डायरेक्टली अरिथमेटिक राइट शिफ्ट करना है, तो मैं यहां पे करूं अरिथमेटिक राइट शिफ्ट, कैसे करते हैं अरिथमेटिक राइट शिफ्ट, ये q0 जो है इसको हम कहां लाते हैं यहां पे, तो लिखूं मैं यहां पे 1 मतलब ये वाला 1 जो है ये मैंने यहां पे लिखा, ठीक ठीक है, ये वाला 1 मैंने यहां पे लिखा, ये वाला 1 यहां पे आएगा, ये वाला 1 यहां पे आएगा, ये वाला 0 यहां पे आएगा, ये वाला 0 यहां पे आएगा, ये वाला 1 यहां पे आएगा, ये वाला 0 यहां पे आएगा, ये वाला 0 यहां पे आएगा, ये वाला 1 यहां पे आएगा, ठीक है, वन 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 जीरो जीरो वन वन जीरो वन जीरो जीरो और वन लास्ट में। इसके बाद क्या करोगे एन इज इक्वल टू एन माइनस एन बनेगा टू, तो इसके बाद फिर से एन मत जीरो है अभी, तो ऊपर जाओ तो यहां पे क्यू जीरो और क्यू वन को देखो, क्यू जीरो ये है और क्यू माइनस वन क्या है ये, वो बन गया जीरो वन, तो आपको जीरो वन देखना है अभी, ये मत अभी यहां से नहीं जाएगा, अभी यहां से जाएगा क्यों, यहां पे है जीरो वन है ना, तो क्या करना है a इज इक्वल टू ए प्लस एम, ए इज इक्वल टू ए प्लस एम, क्या है m 7 का जो वैल्यू है ना वो 0 4 टाइम्स 1 m है ना आपके पास, ये मत आपने कभी चेंज किया यहां पे, ठीक है, तो 0 ट्रिपल 1 आपको यहां पे ऐड करना है इसको, आपको इसको अभी 2's कॉम्प्लीमेंट नहीं निकालना है, अभी आपको डायरेक्टली ऐड करना है इसको, क्यों, क्योंकि ये माइनस नहीं है, अगर माइनस करना होता ना माइनस यहां से है, आपको यहां से प्लस करना है डायरेक्टली, इसीलिए हमने डायरेक्टली ऐड किया, हमने इस m का जो है 7 का जो है 2's कॉम्प्लीमेंट नहीं निकाला, हमने इसको डायरेक्टली ऐड किया, तो ये बनेगा 1 0 1, ये बनेगा 1 विद कैरी 1, ये बनेगा 0 विद कैरी 1, अब ये कैरी 1 जो है ना ये यहां पे आएगा ना कैरी 1, कैरी 1 अलग रहेगा ऐसे ही, तो a का वैल्यू इतना ही आएगा जो ये है ना, ये आएगा a का वैल्यू, ठीक है, तो यही आएगा आपका a का वैल्यू, और q का वैल्यू क्या आएगा ये डिस्कार्ड ही कर लो आप, ये है ना ये वन, ये ऐसे ही रखो, क्यू का वैल्यू वही है ऊपर जो है 0100 और क्यू का वैल्यू ये है और एम का वैल्यू क्या है ये ना क्यू क्यू माइनस वन का भी वही वैल्यू है ना, तो यहां पे क्या करेंगे अब इस जीरो को मैं यहां पे लाऊंगा, ठीक है, अरिथमेटिक राइट शिफ्ट होगा ना यहां पे, अब ये तो ये जीरो कहां जाएगा यहां, ये वन कहां जाएगा यहां, ये जीरो कहां जाएगा यहां, ये वन कहां जाएगा यहां, ये जीरो यहां, ये वन यहां, ये जीरो यहां, और ये जीरो यहां पे जाएगा, ठीक है, तो यहां पे अब जीरो जीरो मिल रहा है आपके पास है ना, हाँ जब मैंने ये किया तो पहले एन माइनस वन करना है ना, ये बनेगा वन,
बनेगा ना, ये बनेगा वन। अभी मिल रहा है आपको जीरो जीरो, क्या मिल रहा है जीरो जीरो। तो जीरो जीरो के केस में यहां से डायरेक्टली अरिथमेटिक शिफ्ट दोबारा होगा, ये ना यहां से जाएगा ना यहां से जाएगा, ये डायरेक्टली कहां जाएगा अरिथमेटिक राइट शिफ्ट पे जाएगा। तो आपको फिर से करना है अरिथमेटिक राइट शिफ्ट। तो ये जीरो कहां जाएगा, यहां पे जीरो, ये जीरो यहां पे आएगा, ये जीरो यहां पे आएगा, ये वन यहां पे आएगा, ये जीरो यहां पे आएगा, ये वन यहां पे आएगा, ये जीरो यहां पे, ये वन यहां पे, और ये जीरो यहां पे आएगा। तो आपको क्या मिल रहा है अब, लेकिन आपको यहां पे क्या करना है माइनस वन, एन माइनस वन, तो आपको वन जीरो मिलता है लास्ट में। लेकिन आपको पहले ये करना है ना चेक, राइट शिफ्ट तो आपने किया, लेकिन यहां पे क्या चेक करना है, एन मत जीरो बन गया, वो तो बन गया जीरो। अब आपको ये चीजें नहीं देखी, ये दो चीजें आप नहीं देखनी है फिर से, क्योंकि ये जीरो बन गया। अगर जीरो बन गया तो आपको क्या करना है, एंड। अब आपका आंसर कैसे मिलेगा, आपका आंसर जो है क्यू, क्यू है ना यहां पे, ए और क्यू, ए और क्यू में आपका आंसर सेव है, ए क्यू में आपका आंसर सेव है ना। अगर आप देखोगे ए क्यू, ए और क्यू को जोड़ दो तो क्या है आपका, यहां पे ए में है ट्रिपल जीरो वन, क्यू में क्या है जीरो वन, शाबाश जीरो वन जीरो वन है ना, 20। इसका आंसर क्या आता अगर हम डायरेक्टली करते, आंसर क्या था, ये था ना आंसर 10101। तो क्या है आपके पास आंसर 10101। देखो ये हो गया 2 रेस पावर 0 मल्टीप्लाइड बाय 1, ये हो गया 2 रेस पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय 0, ये हो गया 2 रेस पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, ये हो गया 2 रेस पावर, ये हो गया 0 ही मान लो, फिर हो गया 2 रेस पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 1, ये हो गया 16, 16 प्लस 4 प्लस 1 जो होता है 21। तो आपका एल्गोरिथम ठीक चल रहा है, ठीक है।